हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये ट्वेल्थ के सिलेबस का पहला टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा लेंदी भी ज़्यादा है बाकी सारे चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जो वर्ड है, ये दो छोटे छोटे वर्ड्स को कंबाइन करके बना है, जिसमें एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट या स्टेशनरी होना। तो इलेक्ट्रो स्टैटिक ये पूरे वर्ड का को जब कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब बनता है चार्जेस एट रेस्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग स्टेशनरी चार्जेस या चार्जेस एट रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो वर्ड हमने बोला, इसमें एक नया वर्ड आया जिसमें इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस। तो चार्जेस होते क्या हैं ये हमें अब डिफाइन करना पड़ेगा। जितने ही वर्ड्स यहाँ पे हम नाम लेंगे, सारे के सारे एक एक वर्ड डिफाइन करेंगे, तभी उस चीज़ का डेफिनेशन क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग चार्जेस क्या होता है ये डिफाइन करते हैं। तो जिस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट में मास एक बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से चार्ज भी उस ऑब्जेक्ट का एक बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि उस प्रॉपर्टी को उस ऑब्जेक्ट से अलग नहीं कर सकते आप। तो चार्ज एक तरह का बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट सारे के सारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अचीव करता है। सारे के सारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में अब कौन कौन सा प्रॉपर्टी है? तो कोई भी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा पाता है, या एक चार्ज को रख देंगे तो किसी भी दूसरे पॉइंट पे अपना जो इफेक्ट क्रिएट कर पाता है, ये सारा का सारा इसी प्रॉपर्टी के कारण है जिसका कि नाम चार्ज है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इनफैक्ट छोटा डेफिनेशन है, लिख भी रहे हैं। चार्ज इज द बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट एक्वायर्स All the electric properties। तो ये चार्ज का बेसिक डेफिनेशन हुआ। The basic intrinsic property of any object due to which it acquires all the electric properties। तो ये चार्जेस का बेसिक डेफिनेशन हुआ। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका कि यूनिट कूलम्ब होता है। इसको हम लोग इस चैप्टर में सी से डिनोट करेंगे। इसको हम लोग इस चैप्टर में चार्ज के यूनिट को कूलम्ब बोलते हैं और उसको सी से डिनोट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज का अमाउंट 2 कूलम्ब है तो उसको 2C हम लोग लिख देंगे। 2 कूलम्ब के चार्ज को 2C बोला करेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिक डेफिनेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए यहां पे चार्जेस को समझने के लिए कंप्लीटली इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो अगली जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ रहे हैं। फिर चार्ज डेवलप कैसे होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, सबसे पहला है कि नेचर ऑफ चार्जेस। दो तरह का चार्ज होता है, एक को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और दूसरे को
नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। और साथ साथ ये भी सुना होगा कि सेम नेचर ऑफ चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हुआ करेंगे। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। अनदर वन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। अब ये दो अलग अलग नेचर ऑफ जो चार्ज हुआ, इसमें अगेन इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है, सेकेंड प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, वो ये है कि सेम नेचर ऑफ चार्जेस, सेम नेचर ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, एंड ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉजिटिव चार्ज को अगर एक दूसरे से डिस्टेंस, थोड़े डिस्टेंस पे अगर हम लोग रखेंगे तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेगा। दो नेगेटिव चार्ज को भी एक दूसरे से सेपरेट करके थोड़े डिस्टेंस पे अगर रख देते हैं तो वो भी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को अगर हम लोग थोड़े डिस्टेंस पे रखते हैं तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अपनी ओर खींचेंगे। अच्छा, एक बड़ा फेमस चीज़ है कि पॉजिटिव चार्ज का सबसे बेसिक एग्जाम्पल, एटम के कौन से पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है? तो ये तो आपने सुना होगा कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। एंड नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होना और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होना, ये कैसे पता चलता है? तो उसके लिए थोड़ा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि सबसे पहले चार्ज होता ही किसी ऑब्जेक्ट पे है, ये हमें पता कैसे चलता है। तो उसके लिए पहले इसको हम रब कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे।